सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 की परीक्षा में जो लोग क्वालिफाई किए हैं उन लोगों से एक अपील है हमारी। अपील यह है कि देखिए, एक अगर आंकड़ा देखें तो सीनियर ट्रांसलेटर के लिए सिर्फ 8 पोस्ट है, लेकिन जिन लोगों ने दोबारा इस परीक्षा में सफलता हासिल की है ऐसे 200 लोग हैं जो अन्य विभागों में नौकरी कर रहे हैं फिर भी SSC की इस परीक्षा में क्वालिफाई किए हैं। उन समस्त अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि 22 तारीख को नंबर दिखाए जाएंगे आपके। सबकी हसरत होती है अपने गृह नगर जाने की, साथ ही साथ सबकी हसरत होती है आगे बढ़ने की। जिस दिन नंबर दिखाया जाएगा उसमें आकलन कर लें कि आपको यदि लगता है कि आप मेरिट में आ जाएंगे और सीनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट आपको मिल जाएगा तब तो आप जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अन्यथा मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाइए। इसके पीछे तर्क यह है कि अगर आप 200 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो जो नए 200 लोग हैं हो सकता है उसमें से 150 ऐसे लोग हों जिनको आपकी वजह से नौकरी ना मिले। देश की स्थिति कोरोना के कारण पहले ही खराब हुई पड़ी है और बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ इस वर्ष इतना सहयोग कर दीजिए कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं, जिससे बाकी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका मिले। एक और मैं आपको बात बताऊं, गारंटी नहीं है कि आप जिस शहर में अभी पोस्टेड हैं उस शहर से आपके गृह नगर में मिल जाएगी पोस्टिंग। कलकत्ता, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों की संभावना बहुत कम है। आप यदि चाह भी लेंगे तो आपको ट्रांसफ़र इन राज्यों में मिलना असंभव है जब तक यहाँ सीटें खाली ना हो। दिल्ली के जो लोग हैं उनमें मैक्सिमम लोगों की भर्ती हो चुकी है। इस वर्ष संभवतया मंत्रालय की पोस्ट कम हो तो जो भी पोस्ट होंगी सबॉर्डिनेट ऑफिसेज की वो दिल्ली के बाहर होंगी, आपको फिर दिल्ली के बाहर जाना पड़ जाएगा। आप सिर्फ एक जुआ खेल रहे हैं और उस जुआ की बदौलत कई लोगों के करियर ब्लॉक होंगे। फिर से एक बार मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप विचार करें, मंथन करें कि सिर्फ इस वर्ष यदि आप त्याग कर देते हैं, अरे गृहनगर आप 1 साल बाद चले जाइएगा। दूसरा नुकसान आपको यह होगा कि आपकी सैलरी का भी लॉस होगा। एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे कम से कम 5,000 रुपये का आपका सैलरी का नुकसान होगा, सीनियरिटी जाएगी और तमाम मुश्किलें होंगी। तो बेहतर है देश हित में और मित्रों के हित में आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं। हाँ, जिनको लगता है कि 300 प्लस है और मेरे जाने से मेरा सीनियर ट्रांसलेटर बनेगा वो जरूर जाएं, लेकिन मेरे जो जैसे जो शौकिया लोग देते रहते हैं वो इस बार ना जाएं।